नमस्कार, इंडिया न्यूज एंटरटेनमेंट में आप सभी का बहुत स्वागत है। गरिमा श्रीवास्तव आपके साथ। रोहित शेट्टी और रणवीर सिंह की मच अवेटेड फिल्म सर्कस का टीजर हाल ही में रिलीज किया गया है। फिल्म की कहानी को 60 के दशक में सेट किया गया है। फिल्म में रणवीर सिंह के अलावा कई दिग्गज कलाकार नजर आ रहे हैं। वैसे ये कहना भी गलत नहीं होगा कि रोहित शेट्टी की फेवरेट टीम को इसमें कास्ट किया गया है। जी हाँ, इस फिल्म में जॉनी लीवर, संजय मिश्रा जैसे कई दिग्गज कॉमेडियन शामिल हैं। चलिए आपको बताते हैं कि कैसा है टीजर। सही मायनों में देखा जाए तो ये फिल्म का टीजर नहीं है, बल्कि ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है जिसमें फिल्म के स्टार कास्ट और इसकी कहानी को लेकर कुछ हिंट दिया गया है। टीजर से साफ समझ में आ रहा है कि इसमें बीते समय और आज के समय के बदलाव को दिखाया गया है। इसकी शुरुआत संजय मिश्रा से होती है, जो दर्शकों को कहते हैं कि 60 के दशक में आपका स्वागत है। इसके बाद जॉनी लीवर कहते हैं कि उस दौर में बच्चे दादा दादी से सवाल किया करते थे, गूगल से नहीं। उस समय न्यूज सिर्फ न्यूज हुआ करती थी, ब्रेकिंग न्यूज नहीं। उस समय बच्चे लोरी सुनकर सोया करते थे, किसी स्टोरी देखकर नहीं। कुल मिलाकर पहले के और आज के दौर को कंपेयर करते हुए दिखाया गया है। 60 के दशक से दुनिया नाटकीय रूप से बदल गई है। इंटरनेट और वो सब कुछ जो वो साथ लाता है एक के लिए। इसीलिए जब रोहित शेट्टी ने अपनी आने वाली फिल्म सर्कस को 60 के दशक में सेट करने का फैसला किया, तब से सोशल मीडिया ने दुनिया को कैसे बदल दिया है। और वो सिर्फ सर्कस का टीजर है जो इसके कलाकारों का परिचय देता है और इसकी रिलीज की तारीख का खुलासा करता है। टीजर से समझ में आ रहा है कि फिल्म में रणवीर सिंह और वरुण शर्मा डबल रोल में नजर आएंगे। अब देखना होगा कि इस फिल्म में क्या कुछ और कितना खास होने वाला है। एंटरटेनमेंट से जुड़ी तमाम जानकारियों के लिए बने रहिए इंडिया न्यूज़ एंटरटेनमेंट के साथ। धन्यवाद।